बहुत सुना है इस सीरीज के बारे में, मतलब इतना ज्यादा सुनने के बाद और इवन इसके 3 सीजन भी आ चुके हैं, तो डिसाइड किया कि क्रिमिनल जस्टिस सीरीज को देखा जाए। अभी फिलहाल मैंने इसका फर्स्ट सीजन ही देखा है जिसके अंदर 10 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो 50 मिनट के आसपास रखी गई है। अब टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेना कि अगर आप लोगों को ये सीरीज देखनी है तो कितना, मतलब ये फर्स्ट सीजन देखना है तो कितना टाइम आपको देना पड़ेगा। और इस सीरीज में मेन भूमिका में या जो मेन कलाकार आपको नजर आने वाले हैं, पंकज त्रिपाठी सर हो गए, जैकी श्रॉफ सर हो गए, विक्रांत मैसी जी हो गए, और भी काफी बढ़िया कलाकार हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्या सीरीज की अगर स्टोरी की बात करता हूं तो एक लड़का, एक आदित्य नाम का, जिसे प्ले किया विक्रांत मैसी जी ने, तो ये आदित्य टैक्सी चलाता है। रात को टैक्सी चलाते समय इसकी टैक्सी में एक लेडी आके बैठती है, एक लड़की आके बैठती है, और इस लड़की के साथ आदित्य जो इसी के घर पे चला जाता है और दोनों जो है वहां पे ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, और नशा करते हैं तो भाई रात को जब सुबह होती है, अगले दिन होती है, तो जब आदित्य उठता है तो वो देखता है कि उसके हाथ जो है वो खून से रंगे हुए हैं और उस लड़की की लाश जो है वो वहां रखी हुई है। अब आदित्य को कुछ भी याद नहीं है कि रात को क्या हुआ था, इतना ज्यादा उसने नशा कर लिया था, लेकिन जो सारे एविडेंस थे वो आदित्य के खिलाफ ही थे कि भाई ये सब जो किया है वो आदित्य ने ही किया। अब आदित्य की जो फाइट है यहाँ से स्टार्ट होती है अपने आप को इनोसेंट साबित करने की, लेकिन उसको कुछ याद नहीं होते कि उसने उस रात को किया क्या था। अब देखो क्या सच है क्या झूठ है, अगर आपको इन सब चीजों को जानना है तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब यहां से जो आदित्य की जो फाइट स्टार्ट होती है, एक उसकी लाइफ यहां से जो चेंज हो जाती है, एक मर्डर और रेप का इल्जाम जब उस पर लगता है, उसकी लाइफ, उसकी माँ बाप पे क्या बीतती है, लोग जो है वहां पर उसके माँ बाप के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एक जेल की लाइफ कैसे होती है, कोर्ट रूम ड्रामा क्या होता है, इन सब चीजों को बहुत खूबसूरती से आपके सामने रखा गया है। जेल में जाने का जो उसका सफर होता है, मतलब कि जेल में जाता है तो आदित्य अपने आप को कैसे जिंदा रखे, उसको ऐसी एडवाइस दी जाती है कि भैया तू जिंदा रहेगा तभी तू बाहर जीत पाएगा, अपने आप को जैसे तैसे तू जिंदा रख। उसके माँ बाप बाहर फिजिकली और मेंटली झेल रहे हैं, ये सब चीजें जब इसमें दिखाई जाती हैं वो आपको अंदर तक हिला के रख देंगे। ये सीरीज वैसी नहीं है कि आप सोचें कि यार इसके अंदर जोर जोर से चिल्लाकर कहेंगे तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, ऐसा कुछ नहीं है इस सीरीज के अंदर। एक रियलिस्टिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वर्क करता है, कैसे यहां पर दो लॉयर्स के बीच में बहस होती है, पुलिस कैसे चार्जशीट फाइल करती है, कैसी कैसी धाराएं वो लगाती हैं, जेल के अंदर कैदियों की लाइफ कैसे होती है, वहां पर कैसे उनके ऊपर एक तरीके से देखा जाए तो उनको मारा जाता है या फिर उनके ऊपर कैसे शोषण किया जाता है, जेल के स्टाफ या जेल के अंदर कुछ लोग होते हैं, ये सारी चीजें बहुत रियलिस्टिक चीजें दिखाई गई हैं इस सीरीज में। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी तरफ से ही बोल रहा हूं, खुद गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है जहां पर बोला गया NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, ये गवर्नमेंट रिपोर्ट है जो कहती है कि भारत के अंदर अगर 100 कैदी हैं तो उन 100 कैदी में से 67 कैदी ऐसे हैं जिनके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं, ट्रायल बोले तो उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो अभी तक ये साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने ही वो काम किया है। ये हमारे देश के अंदर ऐसा हाल है, खुद ये गवर्नमेंट बोलती है। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज जो है आपको रियलिस्टिक वे में जो एक कोर्ट रूम ड्रामा है वो सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे, और मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। मुझे एक्चुअल चीज़ देखने को मिली कि कितना टाइम लग जाता है हियरिंग के अंदर, कैसे कैसे वर्क होता है, कैसे कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको जानने को मिलेगा और सच में इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। इसका फर्स्ट एपिसोड जब मैंने देखा था तो इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था जिस तरीके से उन्होंने बिल्डअप किया था, फिर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है और भी बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट बनता जाता है। ये सब चीज़ें झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में कहीं सोचो कि बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये एक्शन ड्रामा सीरीज नहीं है, ये लीगल ड्रामा है जिसके अंदर आपको लीगली सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार चुम्बेश्वर लेवल की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगी। विक्रांत मैसी जी की आप परफॉर्मेंस देखिए, जब जो भी वर्डिक्ट दिया जाता है, जो भी उनके ऊपर फैसले आते हैं, भाई साहब जो भी इंटेरोगेशन होती हैं, कितनी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी, मुझे बहुत वो पसंद आई है, बहुत पसंद आई है यार सच में। एक बार तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंडेड करूँगा, सेकंड सीज़न और थर्ड सीज़न का मुझे नहीं पता है, फर्स्ट सीज़न तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर क्या ये बच्चों के लिए है या नहीं है, देखिए इसके अंदर गाली गलौच है, मारकाट है, एडल्ट सीन भी हैं, तो सिंपल साफ सरल शब्दों में ये बच्चों के लिए नहीं है।
मेरी तरफ से इस सीरीज़ को मैं देना चाहूँगा 8.5 out of 10। अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों की सीरीज़ कैसी लगी, और नहीं देखी है तो एक बार, एटलीस्ट एक बार तो आप इसको ट्राई कर ही सकते हैं फर्स्ट सीज़न को। इसका सेकंड सीज़न देखेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि ये सीरीज़ कैसी है, मतलब इसका सेकंड सीज़न कैसा है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।